तो हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ये जो NHPC JEE का जो एग्ज़ाम हुआ था, जैसे कि 22 जुलाई एंड 23 जुलाई को एग्ज़ाम था, तो इसका मैं एग्ज़ाम्स के बारे में जो शॉर्ट में रिव्यू दूंगा, जैसे कि इसका एग्ज़ाम का लेवल कैसा था एंड प्रीवियस ईयर का मैं कट ऑफ 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ भी बताऊंगा, जिससे कि आप लोग एक अंदाज़ लगा सकते हो कि किस तरह का इस बार कट ऑफ जाने वाला है। एंड मैं बात करूँ इसका कितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं इस बार, जितना फॉर्म फिलअप हुआ था, जैसे कि आपको पता है सारा डाटा आपके पास है, तो एग्ज़ाम के इतने परसेंट लोग दिए थे इसके बारे में डिस्कस करूँ, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, एंड कोई भी क्वेरी होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलो फटाफट से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ क्वेश्चन का एग्ज़ाम लेवल्स की, तो देखो एग्ज़ाम लेवल जो था वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला हुआ था अपने चैनल पे, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बताए थे, मतलब कि मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, ज़्यादा इजी भी नहीं बोल सकते एंड हार्ड भी नहीं बोल सकते हैं, इसलिए मॉडरेट लेवल का जो क्वेश्चन था इस बार का। एंड जो बात करूँ अगर इसका कितने लोग एग्ज़ाम देने गए थे, वो भी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे किया था पोस्ट, तो उसमें 53% लोग जो है वो बोले थे कि मैं एग्ज़ाम लिखने गया था, एंड 47% लोग मैं नहीं गया था एग्ज़ाम लिखने ये बोला था, और ये पोल पे बोला था। तो मैं आपको बता दूं कि कितने परसेंट लोग, 50% आप मान सकते हैं, 53 है तो 50%, 50 से 55% लोग एग्ज़ाम लिखने गए थे, एंड वहाँ सोच सकते हैं 45% लोग एग्ज़ाम नहीं दिखे लिखे हैं, तो आप लोग समझ सकते हो। मान लो सिविल का 60 था, तो 60 में 60,000 था, तो उसमें 30,000 लोग ही एग्ज़ाम लिखने गए थे, इस तरह का आप लोग सोच सकते हो। एंड क्वेश्चन का लेवल की बात करूँ तो हाँ मॉडरेट लेवल था, एंड काफ़ी नानटेक भी काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, जैसे जो भी रीजनिंग था उसका लेवल तो JEE का जो लेवल रहा था वही था, ठीक है, बट जो करेंट अफेयर्स था वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। एंड जो बात करूँ अपना ट्रेड का, तो मैं मैकेनिकल का बात करता हूँ कि मैकेनिकल में ज़्यादातर जो क्वेश्चन था वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, जैसे कि दो तीन सेंटेंस देगा इसमें कौन सा करेक्ट है, करेक्ट जो फॉलो करता है, ये सारा कुछ था। तो आप लोग अगर अच्छे, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हो। एंड जो प्रीवियस ईयर का, चलो मैं कट ऑफ की बात करता हूँ, तो मैं अगर बात करूँ प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, तो 2022 का कट ऑफ जो था वो था कैटेगरी वाइज, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नोट किया हुआ है। तो मैं बात करूँ अगर यूआर में सिविल की बात करूँ तो 149.25, 149 आपका कट ऑफ था यूआर में सिविल का, एंड इलेक्ट्रिकल का 142, इलेक्ट्रिकल का थोड़ा कम था जनरल वालों का, एंड 156 मैकेनिकल वालों का था। हमेशा मैकेनिकल वालों का ज़्यादा ही हो जाता है हर एग्ज़ाम में अगर आप देखोगे तो। फिर EWS की बात करो तो इसमें सिविल में 147 एंड इलेक्ट्रिकल में 137, एंड मैकेनिकल की बात करूँ तो उसमें 154, एंड OBC का देख सकते हो ये है, ST का बात करूँ तो 126 है सिविल में, एंड इलेक्ट्रिकल में 122 है, एंड मैकेनिकल में 132 है, ये देख लो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड जो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम का भी लिंक भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।